समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर का भी डेवलपमेंट हुआ है और इसके साथ साथ डेटा स्टोरेज डिवाइस का भी डेवलपमेंट हुआ है, पंच कार्ड और फिर धीरे धीरे मैग्नेट टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, SD कार्ड और क्लाउड कार्ड का इस्तेमाल डेटा स्टोरेज के लिए होने लगा। डेटा स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले पंच कार्ड का यूज होता था जिसमें एक स्टिफ पेपर की हेल्प से डेटा को स्टोर किया जाता था, लेकिन पंच कार्ड स्पेस ज्यादा कवर करता था, इस कारण उसका उपयोग ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसीलिए धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई और प्रेजेंट टाइम में आज हम डेटा को हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव आदि में स्टोरेज करते हैं, जो कि पहले के मुकाबले बहुत कम स्पेस लेती है। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि इसी डेटा को आप पेन ड्राइव से भी कम स्पेस वाले किसी डिवाइस में रख सकते हैं और ये डिवाइस और कुछ नहीं बल्कि एक लिक्विड है, तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे। और अब अगर मैं कहूँ कि ये लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना DNA है, तो शायद ही आप विश्वास करोगे कि क्या आपके अपने DNA में भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये पॉसिबल हो चुका है कि डेटा को DNA में भी स्टोर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि DNA में डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि DNA होता क्या है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। DNA दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है जो सभी ऑर्गेनिज्म और दूसरे वायरस के डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ले जाने के लिए एक दूसरे के चारों ओर कॉइल बनाते हैं। DNA के अंदर चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडीनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन और जेनिन। इन चार न्यूक्लियोटाइड को ATCG भी कहते हैं। इन चार न्यूक्लियोटाइड की मदद से हम अपने डेटा को जो कि बाइनरी कोड में होता है, इसको इनकोड करके डेटा को DNA में सेव किया जाता है। DNA डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बाइनरी डेटा को न्यूक्लियोबेस कोड में इनकोड किया जाता है और इस इनकोडेड कोड को सिंथेसिस DNA में स्टोर किया जाता है। अब यह सिंथेसिस DNA क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं कि DNA डेटा स्टोरेज कैसे काम करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि DNA में डेटा को न्यूक्लियोबेस कोड में सेव किया जाता है और इस न्यूक्लियोबेस कोड में डेटा ATCG कोड के रूप में होता है और जो भी डेटा फाइल होती है जैसे वीडियो, MP3 सॉन्ग, फोटो, PDF फाइल एक्सेट्रा, ये फाइल बाइनरी कोड में स्टोरेज डिवाइस में सेव होती है। DNA में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले डेटा को ATCG पैटर्न में इनकोड किया जाता है। DNA से किसी भी जीव जंतु की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, जैसे उसकी हाइट कितनी है, उसकी एज लाइफ कितनी है, और इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि DNA में भी ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे ये डेटा को स्टोर कर सकता है और हजारों लाखों सालों तक उस डेटा को सेव करके भी रख सकता है। DNA में डेटा ATCG पैटर्न के रूप में होता है। और अब अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हम जो डिजिटल डेटा को सेव करके रखते हैं वो बाइनरी कोड में सेव होता है। तो इस डिजिटल डेटा को सेव करने के लिए सबसे पहले इस डिजिटल डेटा को ATCG पैटर्न कोड में इनकोड किया जाता है। जब यह डेटा इनकोड कर लिया जाता है तो इसको DNA सिंथेसाइजर के थ्रू सिंथेसिस DNA में फीड कर लिया जाता है, या यूं कहें कि डेटा को DNA में सेव कर लिया जाता है। अब यहां समझने की जरूरत है कि सिंथेसिस DNA का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस DNA ह्यूमन में DNA होता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल DNA की तरह ही काम करता है। इसमें भी ओरिजिनल DNA की तरह ATCG पैटर्न कोड होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। इस ह्यूमन में DNA को DNA सिंथेसाइजर के थ्रू बनाया जाता है। DNA में सेव किए हुए डेटा को हजारों लाखों सालों तक सेव करके रखा जा सकता है। 1 ग्राम DNA में 215 पेटाबाइट्स डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि DNA डेटा स्टोरेज क्या है और ये कैसे काम करता है और सिंथेटिक DNA क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।